नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के घरेलू उपायों के बारे में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को यूटीआई इन शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमारे यूरिनरी सिस्टम के किसी भी ऑर्गन का हो सकता है, जैसे कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा का। यह एक वेरी कॉमन प्रॉब्लम है और हमारे जो जनजीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंपैक्ट करता है। वैसे तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेडिकल से ट्रीटमेंट हो जाता है, स्पेशली द एंटीबायोटिक्स, पर उसके अलावा कुछ घरेलू उपाय भी होते हैं, होम रेमेडीज, जिसकी मदद से हम लोग इस इन्फेक्शन के रिकरेंस को रोक सकते हैं और इस इन्फेक्शन के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन नेचुरल वेज के बारे में जिनसे हम इस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोक सकते हैं और रिकरेंस को के रिस्क को कम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी बहुत सारा पानी पीना, क्योंकि जब हम रेगुलरली यूरिन पास करने जाते हैं तो हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाते हैं और हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। लेकिन हमको उसके लिए प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा और उसको हमको पूरे दिन भर टाइम टू टाइम पानी पीना पड़ेगा, तथा जब भी हमको प्यास लगेगी उस समय हमको पानी पीना है। यूजुअली हम लोगों को 10 से 12 ग्लास ऑफ वाटर का इंटेक करना चाहिए। सेकंड है विटामिन सी की क्वांटिटी को बढ़ाना। अब विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी हमारे यूरिन को एसिड बना देता है, जिससे ये हार्मफुल बैक्टीरिया जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं वो मर जाते हैं और हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बच जाते हैं। विटामिन सी के कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें इसकी बहुत प्रचुर मात्रा होती है और उनके केवल एक सर्विंग से, यानी एक फ्रूट लेने से, हमारे रेगुलर रिक्वायरमेंट की विटामिन सी की जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। ये फ्रूट्स हैं रेड पेपर, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स एंड कीवी फ्रूट्स। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग अनस्वीटेंड क्रैनबेरी जूस, मतलब बिना चीनी बिना शुगर के दिया हुआ क्रैनबेरी जूस। क्रैनबेरी जूस एक बहुत ही कॉमन होम रेमेडीज है। क्रैनबेरी जूस काम कैसे करता है? ये जो बैक्टीरियास होते हैं वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट की जो सरफेस है उसके साथ अटैचमेंट को रोकता है। हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट जो म्यूकोसा होती है उसके ऊपर एक लेयरिंग कर देता है, जिससे कि ये बैक्टीरिया उससे अटैच नहीं हो पाते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको अनस्वीटेंड, जो बिना शुगर मिला हुआ क्रैनबेरी जूस है उसी को लेना है, जब ना कि जो मार्केट में अवेलेबल ब्रांडेड है जो कि स्वीटेंड कमर्शियल ब्रांड्स होते हैं। नेक्स्ट चार नंबर पर हम बात करते हैं यूज ऑफ प्रोबायोटिक्स। ये प्रोबायोटिक्स क्या होती हैं? ये प्रोबायोटिक्स होती हैं अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अच्छे बैक्टीरिया, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। ये यूजुअली हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया को संतुलित करते हैं। इन बैक्टीरिया के संतुलित होने की वजह से हमारी गट की हेल्थ अच्छी होती है और हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा वर्क करता है। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक मेन चीज होता है, बट इन एंटीबायोटिक के यूज करने की वजह से हमारे गट के जो नॉर्मल बैक्टीरिया, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है, वो भी किल हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम प्रोबायोटिक्स का यूज करते हैं तो हमारे ये बैक्टीरिया वापस रिस्टोर हो जाते हैं। इन प्रोबायोटिक्स को हम एंटीबायोटिक्स के साथ में या अलग से भी यूज कर सकते हैं। और प्रोबायोटिक का जो प्रचुर सोर्स है वो है कर्ड, मतलब दही। दही के यूज करने से उसमें हमें जो प्रोबायोटिक्स की जो लैक्टोबैसिलस होते हैं वो हमारे गट में इजीली पहुंच जाते हैं। उसके अलावा कुछ मेडिसिन के रूप में भी प्रोबायोटिक्स मार्केट्स में अवेलेबल रहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेल्दी हैबिट्स के बारे में, हेल्दी टॉयलेट हैबिट्स एंड हेल्दी हैबिट्स के बारे में, हाइजीनिक हैबिट्स। उसमें सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको अपना यूरिन जब लगता है, जब आप यूरिन पास करने जाएं, उसको ज्यादा समय तक होल्ड करके ना रखें, क्योंकि अगर ज्यादा समय तक आप होल्ड करके रखेंगे तो आपके बैक्टीरिया
ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो आपके यूरिन में ग्रोथ कर जाते हैं। यूजुअली एक बैक्टीरिया को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यूजुअली 4 घंटे का समय लगता है। अगर आपको रिकरेंट यूटीआई है तो आप प्रत्येक 4 घंटे विद इन 4 आवर यूरिन पास करने अवश्य जाए, स्पेशली जब आपको यूरिन लगता है। अब गुड हाइजीन में हेल्दी हैबिट्स के अंदर नेक्स्ट है पी, मतलब आप पेशाब करने जाएं जब भी आप रिलेशनशिप करें। रिलेशनशिप मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद में आप यूरिन पास करने के लिए जाएं, जिससे आपके रिकरेंस ऑफ चांस ऑफ इंफेक्शन और बैक्टीरिया के स्प्रेड होने का चांस कम हो जाता है। उसके अलावा कुछ पेशेंट को ज्यादा इंफेक्शन होते हैं बार बार में, स्पेशली फीमेल्स में, उनमें स्पर्मिसाइडल एजेंट्स का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है जो लोग स्पर्मिसाइड्स एजेंट्स का यूज करते हैं उससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब आप टॉयलेट यूज करते हैं तो आप अपने टॉयलेट की जो लैट्रिन की जगह जब क्लीन करते हैं वो आप आगे से पीछे की तरफ करें, ना कि पीछे की आ से आगे की तरफ। अगर आप पीछे से आगे की तरफ करते हैं तो आपके ये हार्मफुल बैक्टीरिया आपके यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुंच जाते हैं, यूरेथ्रा तक पहुंच जाते हैं, और ये यूरेथ्रा से जाके ब्लैडर में पहुंच के इंफेक्शन कर देते हैं। सो ऑलवेज क्लीन आफ्टर टॉयलेट फ्रॉम आगे से पीछे की तरफ। अब बात करते हैं 6th नंबर, कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपके इस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रिस्क को कम कर देते हैं, उनके सिम्टम्स को कम कर देते हैं। ये हैं डीमेनोस, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट एंड गार्लिक एक्सट्रैक्ट। अब 7th नंबर पे हम बात करते हैं कुछ डाइट्री फैक्टर्स जो कि आपको आपके सिम्टम्स को, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को मैनेज और प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि कुछ एजेंट्स होते हैं जो आपके ब्लैडर को इरिटेट करते हैं और आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को के जो सिम्टम्स होते हैं उनको बढ़ा देते हैं। सो इन फूड्स को, इन ड्रिंक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि कॉफी, एल्कोहल, टोमेटो बेस्ड फ्रूट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और स्पाइसी फूड्स। स्पाइसी फूड जो हम लोग तेल मसाला ज़्यादा खाते हैं उनको भी हमको कम करना चाहिए। बट कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आपके शरीर को एंटीऑक्सीडेंट देते हैं और कुछ अच्छे न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम होता है अच्छा होता है और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन को कम करने में हेल्प मिलती है। ये है पियर्स, केला, ग्रीन बीन्स, आलू, कुछ नट्स, अदरक, लहसुन, अनार का जूस और कोकोनट वाटर। अब बात करते हैं 8th नंबर या नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, फॉर होम रेमेडीज ऑफ फॉर प्रिवेंशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज क्लोथ्स। जो क्लोथ्स हम पहनते हैं, हमें लूज क्लोथ्स पहनने चाहिए ताकि आपके जो पेल्विक एरिया है उसमें कोई मॉइस्चर नहीं जमे और वो ड्राई रहे, ताकि आप इस इन्फेक्शन से बच सकें। उसके लिए आपको टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने हैं, कॉटन अंडरवियर्स का यूज करना चाहिए, सिंथेटिक फाइबर्स का यूज नहीं करना चाहिए, और आपके ये जो पीबी एरिया है उसको क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मेडिकेशन से हम यूटीआई को जल्दी से ट्रीट कर सकते हैं, पर जो हमने जो होम रेमेडीज बताई हैं उससे बहुत सारे पेशेंट्स को उनके सिम्टम्स में बहुत रिलीफ और अर्ली रिकवरी फ्रॉम यूटीआई होती है। सो बट फ्रेंड्स, यहां एक चीज का ध्यान रखना है आपको, आप होम रेमेडीज करते करते आप खुद अपना ट्रीटमेंट मत कीजिए। होम रेमेडीज के साथ में आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए,